योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में बाबा का बुलडोजर टॉप गियर में गरज रहा है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग बुलडोजर की धमक जमींदोज हो रही हैं। लेकिन रामपुर में कोर्ट के आदेश पर दीवार गिराने पहुंचे बुलडोजर की हालत खराब हो गई। गुस्साई भीड़ ने न केवल बुलडोजर पर पथराव कर तोड़ डाला, बोर्ड के आदेश की तामील कराने गए अमीन को भी घायल कर दिया। ये मामला रामपुर के भोट थाना क्षेत्र का है, जहां बांस नगली गांव में कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर के सरकारी कासिंदे पहुंचे थे तो उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। बात यही नहीं रुकी, गुस्साए लोगों ने सरकारी कर्मचारियों पर धावा बोल दिया, जिसमें सरकारी अमीन अमित कुमार घायल हो गए। मामले की सूचना मिलते ही उप जिलाधिकारी समेत पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामला शांत कराने का प्रयास शुरू हुआ। उप जिलाधिकारी मनीष मीना के मुताबिक बांस नगली में एक शिव मंदिर है, उसके बगल में एक दीवार का निर्माण किया गया था। उस दीवार से दौलत राम नाम के एक शख्स का रास्ता बंद हो रहा था। मामला कोर्ट में पहुंचा तो सिविल कोर्ट ने दीवार गिराने के आदेश दे दिए। कोर्ट के आदेश पर सरकारी अमीन के सामने दीवार गिराने का काम शुरू हुआ, जिस पर कुछ लोग विरोध करते हुए अमीन के साथ मारपीट की और बुलडोजर पर ही पथराव शुरू कर दिया। तो वहीं जिला अधिकारी ने और पुलिस ने मिलकर दोनों पक्षों को की बातें सुनी और आपसी विवाद को सुलझाया गया। मास नंगली में एक शिव मंदिर है, उसके बगल में एक दीवार का निर्माण किया गया था कुछ सालों पहले। उस दीवार से किसी एक व्यक्ति विशेष का, दौलत राम जिनका नाम है, उनके घर से आने जाने का रास्ता का अवरोध हो रहा था। तो वो सिविल कोर्ट गए, उसमें उन्होंने केस लड़ा, वो सिविल कोर्ट से केस जीत कराए, जिसका ऑर्डर 2016 का है। उसी के अनुपालन हेतु कोर्ट ने अभी 2022 में अपने अमीन को वहाँ भेजा था उसके अनुपालन के लिए। तो उन्होंने जब वो दीवार गिराई तो वहाँ पर थोड़ा विवाद हुआ, गांव वालों ने कुछ मारपीट भी की उनके साथ। तो उसी संबंध में हम मौके पर पहुँचे, साथ में सीओ साहब भी पहुँच गए थे। हम लोगों ने तो सबसे बातचीत कर दोनों पक्षों का आपसी विवाद सुलझाया, वहाँ पर जमीन नाप के दिया और कोर्ट के आदेश का अनुपालन हो गया है और अभी सब लोग समझ गए हैं, कोई समस्या नहीं है वहाँ पर। तो वही सरकारी अमीन के साथ मारपीट के मामले पर उप जिलाधिकारी ने पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अमीन से मारपीट करने और बुलडोजर में तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कल दिनांक 6/4/2022 को अमीन अमित कुमार द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ग्राम बांस नगली थाना भोट में एक विवादित दीवार को गिराया जा रहा था, तभी गांव के कुछ लोग आ गए और उनके साथ मारपीट की। इस संबंध में अमीन की तहरीर पर पुलिस द्वारा सुसंगत धारा में मुकदमा लिखा गया है और मारपीट करने वालों में से 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, आगे विधिक कार्रवाई की जाए। आरोपियों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने सहित कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से रविशंकर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।